घोर तपस्या कर गंगा को धरती पर लाने वाले राजा भगीरथ की मूर्ति पर सैनी समाज ने माल्यार्पण किया। समाज के लोगों ने कहा कि हरिद्वार में गंगा घाट पर 1998 में राजा भगीरथ की मूर्ति की स्थापना की गई थी। तब से लेकर आज तक लगातार सैनी समाज घाट की स्वच्छता का ध्यान रखता आ रहा है। बाबा भगीरथ नाथ की मूर्ति पर आई है, तो इसके बारे में बताइए कब स्थापना हुई थी? ये 1998 में बाबा भगीरथ जी की मूर्ति की स्थापना हुई थी। बीच में ये किसी कारणवश ये मतलब खंडित हो गई थी। उसी बीच में हम बार बार एक यहाँ और हम लोगों ने सफाई अभियान भी शुरू किया। जब ये क्या नाम है इनका, आप यहाँ पे कब कब आते हो? मंथली आते हो या? महीने में हम दो या तीन बार सफाई का अपना कार्य यहाँ करते। आगे का उद्देश्य क्या है? आगे का उद्देश्य यह है कि सैनी समाज हमारा भागीरथी घाट, भागीरथी बिंदु घाट हरिद्वार में भूपतवाला में सफाई का कार्यक्रम दिनांक 17 अगस्त 2008 से भागीरथी बिंदु घाट का रखरखाव सैनी समाज के द्वारा चल रहा है और भविष्य में भी सैनी समाज अपनी जिम्मेदारी को निभाता रहेगा। और भी स्थल हैं, उन पे भी सेवा देने के लिए तैयार रहेगा। आम जनता को क्या है कि हम लोग जो हैं भागीरथी वंश से हैं और भागीरथी जो गंगा जी को लेकर के आए, आज तक उनका कोई भी घाट और ना ही कोई यहाँ पे मंदिर अभी तक नहीं बनाया गया। आप सबसे पहले हमारा घाट की यहाँ पे पहले तो हम जो है सरकार से जो है अपने इसकी जो हमारा घाट है ये इसकी स्थापना हो जाए और इसकी स्थापना होने के बाद में घाट का सरकार जो है या तो इस घाट को सरकार अपने हिसाब से इसको बना दे, अन्यथा सैनी समाज इसको बढ़ाएगा। मैं चाहता हूँ जो पावन गंगा को पृथ्वी पर लाने वाले महाराजा भगीरथ हैं, सरकार के द्वारा, राज्य सरकार या केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कभी भी महाराजा भगीरथ के बारे में नहीं सोचा गया कि महाराजा भगीरथ का भी कोई घाट होना चाहिए। जो पृथ्वी पर माँ गंगा को लाए हैं उन्हीं का निरादर किया है राज्य सरकारों ने भी और केंद्र सरकारों ने भी। हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा गंगा सफाई बहुत अच्छे तरह से की गई है, लेकिन फिर भी इतने गंदे नाले माँ गंगा के अंदर पड़ रहे हैं कि अभी मैं काशी गया था, पानी बहुत दूषित है। यहाँ तो कह सकते हैं गंगा जल ना कह के अमृत भी कह सकते हैं, अच्छा यहाँ पे बहुत कुछ है, लेकिन काशी और प्रयागराज में त्रिवेणी पे हमने स्नान किया, आस्था की डुबकी लगाई, लेकिन इतना गंदा पानी था कि वहाँ पे आस्था की डुबकी लगाना मन नहीं करता, इतना गंदा पानी है। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि जितने भी शहर के अंदर से गंदे नाले निकलते हैं उनकी कोई व्यवस्था अलग से की जाए और वो उस नालों को वाटर ट्रीटमेंट लगाने के बाद उस पानी को माँ गंगा से अलग ही रखा जाए, उसको सिंचाई मिले, कहीं मिले उस पानी का अलग से यूज किया जाए, न कि उसको माँ गंगा के अंदर या यमुना के अंदर डाल के पानी को गंदा किया जा रहा है। और इसके साथ साथ प्रयागराज में हमने देखा कि वहाँ प्रसाद के नाम पर पॉलीथीन में प्रसाद दे रहे हैं और लोग पॉलीथीन को ही उस गंगा के अंदर डाल रहे हैं। अगर उनसे बात की वो कह रहे हैं यहाँ पर मशीन है साफ़ करने के लिए। तो इन चीज़ों पर सरकार ध्यान दे, कहीं भी किसी प्रकार का ऐसी वस्तु ना डाले पानी के अंदर जिससे माँ गंगा का जल दूषित होता है।